आज की क्लास में हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जो फंक्शन की जो असाइनमेंट है उन्हीं के सॉल्यूशन चलेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला, 2 tan अल्फा इक्वल टू 3 tan बीटा, देन शो दैट tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कोस 2 बीटा। अब हमको प्रूफ करते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए। देखो प्रूफ में कहीं भी अल्फा नहीं आ रहा, आंसर में क्या आ रहा टोटल हमारे पास बीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, टेन अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर टेन अल्फा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, थ्री अपॉन टू, ये टू नीचे आ जाएगा इसके, तो थ्री अपॉन टू टेन बीटा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस थ्री बाई टू टेन बीटा, ये हमारे पास पहले से है। यहां से टू एलसीएम ले लेंगे हम, तो थ्री टेन बीटा माइनस टू टेन बीटा अपॉन टू, और नीचे से टू एलसीएम ले लेंगे हम, तो टू प्लस थ्री टेन स्क्वायर बीटा, टू से टू हमारा ये कैंसिल हो गया। तो अभी थ्री टेन में से टू टेन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, टेन बीटा अपॉन टू प्लस थ्री टेन स्क्वायर बीटा। अभी अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ हमारा आ रहा है साइन कोस में, और ये हमारा किसमें आया, टेन में। तो अभी हम क्या करते हैं यहां पर, देखो साइन कोस में ब्रेक कर लेते हैं। जब हम इसको साइन कोस में ब्रेक करेंगे तो साइन बीटा अपॉन कोस बीटा टू प्लस थ्री साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा, नीचे से कोस स्क्वायर बीटा हमने एलसीएम ले लिया, ये आया थ्री साइन स्क्वायर बीटा, ये बन जाएगा साइन बीटा कोस बीटा, ऊपर पहुंच जाएगा एलसीएम अपॉन टू कोस स्क्वायर बीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर बीटा। अभी यहां पर हमें, यहां पर हम टू से डिवाइड या टू से चलो अभी नहीं करते, अब यहां पर हमें देखना है प्रूफ के अकॉर्डिंग, यहां चाहिए कोस टू बीटा और ये क्या है कोस बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल को डबल करना है, एंगल को डबल करना है, एंगल को हाफ करना हो तो फॉर्मूले यूज होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले वाली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू और साइन कोस टू थीटा बाई टू और साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास वन माइनस कोस टू थीटा बाई टू। ये फॉर्मूले हम हमेशा यूज करते हैं जब एंगल को हमें हाफ या डबल करना हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो कोस स्क्वायर बीटा है हमारे पास, इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू। यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने ये, और कोस साइन स्क्वायर बीटा की हमने वैल्यू यहां से ये पुट करी है। इसके बाद देखते हैं हम, अब हम यहां पर टू नीचे से एलसीएम लेकर के टू को ऊपर ले जाएंगे, यहां से ये टू एलसीएम आकर के टू ऊपर पहुंच गया हमारा, तो क्या बनेगा, ये टू साइन बीटा कोस बीटा अपॉन ये जो टू हमने एलसीएम लिया ये ऊपर पहुंच गया, और ये टू के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर तुम्हारा बन गया साइन टू बीटा हाफ एंगल फॉर्मूला, थ्री और टू फाइव
माइनस, अभी यहां पर ये प्लस है तो ये बना माइनस कोस टू बीटा, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, प्रूफ करना है कोस टू वाई इक्वल टू कोस टू एक्स माइनस ई अपॉन वन माइनस ई कोस टू एक्स। प्रूफ देखिए, एलएचएस ली हमने कोस टू वाई, कोस टू वाई का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर वाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, हाफ एंगल फॉर्मूले हमने लिखे थे। कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी आप देखिए टेन वाई की वैल्यू, क्योंकि आंसर में कहीं भी वाई नहीं आ रहा, एक्स में प्रूफ हो रहा है, तो टेन वाई की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। यहां से हमारी टेन वाई की वैल्यू आएगी वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई का रूट इंटू टेन एक्स, ये हमारी यहां से टेन वाई की वैल्यू आ गई। ऐसे हम यहां पुट करेंगे तो वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगेगा इसके ऊपर, और जब यहां पर आएगी टेन वाई की वैल्यू तो वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई टेन स्क्वायर एक्स। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सीधी वैल्यू पुट की है। अब यहां सारा खेल है कैलकुलेशन का। अब यहां पर देखिए, यहां पे मैंने 1 माइनस ई एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस ई 1 प्लस ई टेन स्क्वायर एक्स, यहां से भी 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई टेन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया है। अभी आप देखिए यहां पर 1 माइनस ई मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर टेन स्क्वायर एक्स माइनस ई टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस ई टेन स्क्वायर एक्स प्लस ई टेन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर देखिए आप, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इन दोनों में से ई कॉमन ले लिया हमने, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहां से हमने माइनस ई कॉमन ले लिया तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर एक ट्रिक है कि यहां ई चाहिए तो इससे डिवाइड कर दीजिए, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, तो यहां आएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जब हम किसी को कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद ये चीज हमारी डिवाइड में आती है, माइनस ई अपॉन नीचे से वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा हमारा वन, यहां से बचेगा वन माइनस ई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया। ये तुम्हारा होता है कोस टू एक्स का फॉर्मूला, ये रहा है लिखा हुआ, ये तुम्हारा बना कोस टू एक्स माइनस ई अपॉन वन माइनस ई कोस टू एक्स, ये हमारी आरएचएस आ गई है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन हमारे पास, कोस अल्फा इक्वल टू ए कोस बीटा प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कोस बीटा, और ये हमें प्रूफ करना है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था इससे जस्ट पहले, ये इसी का उल्टा हो गया, उसमें ये गिवन था ये प्रूफ करना था, इसमें ये गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है। अब आप ध्यान से देखिए जरा, जो गिवन है हम इसको लेके चलते हैं, जी इसके नीचे वन लिखा हमने और हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन प्लस माइनस में आएगी बस, उसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं यहां पर सी एन डी रूल अप्लाई करना चाहता हूं, सी एन डी, क्योंकि ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टाइप की टर्म तभी बनेगी,
तो ये आया हमारे पास 1 प्लस कोस अल्फा, ये आया 1 माइनस कोस अल्फा। सी एन डी रूल, डिनोमिनेटर प्लस हो जाता है और फिर नीचे डिनोमिनेटर माइनस हो जाता है न्यूमरेटर में से। क्या बेनिफिट हुआ इसका आप देखिए, इसमें से और इसमें से ए को बनाएगा, वन प्लस कोस बीटा, इन दोनों में से बी को बनाएगा, वन प्लस कोस बीटा, इन दोनों में से हमारे पास ए को बनाएगा, और इसमें से और इसमें से हम माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो वन माइनस कोस बीटा कॉमन आएगा। अभी हमारे पास आया वन प्लस कोस अल्फा, वन माइनस कोस अल्फा, यहां से कॉमन आ गया वन प्लस कोस बीटा, वन प्लस कोस बीटा ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी, यहां से कॉमन आ गया वन माइनस कोस बीटा, तो ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस बी। अभी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, वन के साथ जब कभी भी कोस आ जाए, वन प्लस कोस या वन माइनस कोस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वैल्यू लिख के दिखाई थी, फिर दोबारा देख लीजिए, वन प्लस कोस थीटा ये हमारा होता है, चलो मैं बना के दिखाता हूं हाफ एंगल फॉर्मूले से। हाफ एंगल फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और एक होती है हमारे पास टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। तो जब भी वन के साथ कोस दिखेगा, वन प्लस कोस वन माइनस कोस, तो हमेशा ये दो फॉर्मूले ही यूज होंगे हाफ एंगल में। अगर कोस टू थीटा होगा तो यहां पर थीटा आ जाएगा, जैसा कि हाफ एंगल फॉर्मूले यूज होते हैं। अभी ये मुझे वन काटना है, तो इस वाले फॉर्मूले से वन कटेगा ये, तो इसकी जगह हम लिखेंगे टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। अभी ये वन काटने के लिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहां पर भी लगाएंगे हम, अब ये वन से वन कैंसिल, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये बना हमारे पास कोट स्क्वायर अल्फा बाई टू कोट स्क्वायर बीटा बाई टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। पूरे क्वेश्चन को रेसिपोल कर देंगे हम, तो कोट का बन जाएगा टेन, ये बन जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और ये बन जाएगा हमारा टेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी टाइप का ही। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अभी प्रूफ कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद वीडियो को पॉज करके आपको सेकंड पार्ट अभी खुद प्रूफ करना है, और उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए जरा, देखिए फर्स्ट पार्ट में अल्फा और थीटा आ रहा है प्रूफ में, ये दो चीज मुझे गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा एंड साइन अल्फा इक्वल टू के साइन बीटा, ये दो चीज हमें गिवन है और हमें ये प्रूफ करने हैं दो पार्ट। तो देखिए जरा, पहला पार्ट में प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा, यहां से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा की वैल्यू हमने क्यों निकाली, कि प्रूफ में बीटा नहीं आ रहा, इसी टाइप से इसमें अल्फा नहीं आ रहा, तो अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे थीटा माइनस बीटा। अब सिंस हमें ये भी गिवन है, साइन अल्फा इक्वल टू के साइन बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू थीटा माइनस अल्फा डाल दी हमने। प्रूफ में अल्फा और थीटा चाहिए, अल्फा और थीटा ही है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लगाइए प्रूफ हो जाएगा।
साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अभी साइन अल्फा वाली टर्म को इधर ले लेते हैं हम, कॉमन आ जाएगा, इसलिए प्रूफ के अकॉर्डिंग ही हम एडजस्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को। यहां से साइन अल्फा कॉमन आ गया, साइन थीटा कोस अल्फा। अब यहां पे आप देखिए ये कोस अल्फा नीचे आएगा इसके, और ये इसके नीचे जाएगा, तो ये तुम्हारा बन गया टेन अल्फा। हेंस प्रूफ। ऐसे ही आप सेकेंड वाला पार्ट खुद प्रूफ करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ को देख लीजिए, अल्फा आ रहा है प्रूफ में सिर्फ, यानी कि बीटा हटाना है, और टेन बीटा की वैल्यू हमें गिवन है। जो तो प्रूफ करना है हमने उसकी एनएचएस ली। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आज किए हैं उन सभी क्वेश्चनों में एक चीज गिवन थी और एक हमें प्रूफ करनी है, तो ये पूरा सेक्शन हमारा गिवन प्रूफ का हो गया है। अब आप देखिए टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब जो टेन बीटा की वैल्यू है हमारे पास वो ये है, हम इसको डाल देंगे एन साइन अल्फा, सॉरी टेन अल्फा माइनस एन साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन वन माइनस, यहां पर ये स्क्वायर यहां पर है, वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। अपॉन वन माइनस वन प्लस टेन अल्फा और एन साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। अभी जो टेन अल्फा है इसको भी साइन कोस में चेंज कर लीजिए, क्योंकि सभी टर्म्स हमारी साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये कैंसिल हो गया, यहां से हमारा एलसीएम आएगा कोस अल्फा वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। अभी आप देखिए साइन अल्फा वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, एलसीएम ले लिया, कोस यहां पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस एन साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। यहां पर भी एलसीएम आ जाएगा हमारा वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये यहां पहुंच जाएगा हमारे पास वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बनेगा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया हमारे पास। अभी इसकी इसमें से हम साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा एन कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन नीचे बचा कोस अल्फा। अभी साइन अपॉन कोस हमारा बना टेन, इन दोनों में देखिए पहले यहां से हमने एन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बचा ब्रैकेट में, और साइन अपॉन कोस हमारा बन गया टेन अल्फा, ये होता है वन, ये बन गया हमारा टेन अल्फा, ये हमारा आंसर आ गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई फोर,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय फोर, देन प्रूव दैट वन प्लस टेन अल्फा इंटू वन प्लस टेन बीटा इक्वल टू टू। अभी आप यहां पर देखिए ये हेंस, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ये प्रूफ करते हैं। तो वन प्लस ये सिंस अल्फा प्लस बीटा हमें पाई बाय फोर गिवन है, तो यहां से हम क्या करते हैं बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो अल्फा की भी निकाल सकते हो कि आंसर में टू आना है। अब हमें जो प्रूफ करना है हम उसकी एलएचएस लेते हैं, और यहां पर टेन बीटा की वैल्यू डाल देते हैं पाई बाय फोर माइनस अल्फा। अब ये हो गया हमारा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। टेन फोर्टी फाइव वन होता है, ये भी वन होता है, एलसीएम ले लेंगे हम यहां पर, वन प्लस टेन अल्फा हमने एलसीएम ले लिया, तो वन प्लस टेन अल्फा प्लस वन माइनस टेन अल्फा, ये इससे कैंसिल हो गया, टेन अल्फा से टेन अल्फा, वन वन कितना आ गया हमारे पास टू, प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट को मैं डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये प्रूफ हो चुका है, ये समझने वाली बात है कि वन प्लस टेन अल्फा और वन प्लस टेन, ये नोट नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वन प्लस टेन अल्फा वन प्लस टेन बीटा की वैल्यू है हमारे पास टू, हमने अभी प्रूफ किया, लेकिन कब, जब अल्फा और बीटा का सम पाई बाय फोर होगा। वन प्लस टेन अल्फा वन प्लस टेन बीटा की वैल्यू टू होगी, लेकिन कब, जब अल्फा और बीटा का सम कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि हमने इसकी हेल्प से ये प्रूफ किया है। इट मीन्स जब दोनों एंगल का सम 45 होगा तब इसकी वैल्यू 2 होगी, अदरवाइज नहीं। अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, तो 30 प्लस 60 कितना होगा 90, ये है 45, तो इट मीन्स ये प्रूफ नहीं हो सकता। हाँ, अगर अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 25 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 20, 25 प्लस 20, 45, तो इन दोनों वैल्यू को जब मैं यहां पर डालूंगा तो आंसर 2 ही आएगा। तो यहां पर ये आइडेंटिटी तभी एप्लीकेबल है जब दोनों एंगल का सम 45 होगा। एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल चाहे कुछ भी हो, पर दोनों का सम 45 डिग्री होना चाहिए। तो अभी हमें निकालनी है टेन पाई बाई एट। सबसे पहले देखिए पाई बाई एट क्या होता है, पाई बाई एट होता है हमारा 22 एंड हाफ। इसका मतलब पाई बाई एट प्लस पाई बाई एट कितना होगा पाई बाई फोर। इट मींस अल्फा और ये है बीटा, यानी कि जब मैं अल्फा बीटा को दोनों को इक्वल लूंगा, मींस पाई बाई एट पाई बाई एट, तो दोनों का सम कितना आएगा पाई बाई फोर, और ये आइडेंटिटी हमारी टू आएगी। तो यहां पर हम इसी का यूज करेंगे। अब आप देखिए लेट अल्फा बीटा दोनों को मैंने इक्वल मान लिया, तो अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास पाई बाई फोर, तो अल्फा प्लस अल्फा है पाई बाई फोर, तो टू अल्फा पाई बाई फोर, तो यहां से अल्फा आ गया हमारा पाई बाई एट। अब हम अभी हमने प्रूफ किया है कि वन प्लस टेन अल्फा और वन प्लस टेन बीटा की वैल्यू पाई टू है। अब हम यहां पर टेन बीटा की वैल्यू डालेंगे, सॉरी बीटा की वैल्यू डालेंगे, अल्फा हमने इक्वल मान रखा है दोनों को, तो हमारे पास आया 1 प्लस टेन अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट 2 आएगा यहां पर, तो टेन अल्फा हमारा आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास पाई बाई 8।
तो टेन पाई बाई एट की वैल्यू एक तो हमारे पास ये आई और ये आई, टेन पाई बाई एट की वैल्यू प्लस में आई और माइनस में ये आई है। टेन पाई बाई एट की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि निकल चुकी है, बट अब इन दोनों में से कोई सी एक वैल्यू तो होगी, दोनों तो हो नहीं सकती। टेन पाई बाई एट की वैल्यू कौन सी वाली है? पाई बाई एट होता है 22.5, तो पाई बाई एट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? पॉजिटिव। अभी आप देखिए यहां पर ये तो आएगा पॉजिटिव और ये आएगा नेगेटिव, तो सिंस पाई बाई एट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसीलिए पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे, हेंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेन अल्फा इक्वल टू ए अपॉन बी, देन प्रूव दैट बी कोस 2 बीटा प्लस ए साइन 2 बीटा इक्वल टू बी, हमें प्रूव करके दिखाना है। आप देखिए यहां पे जो हमें फाइंड करना है, हमें जो प्रूफ करना है ये वैल्यू आगे। अब यहां से आगे क्या ट्रिक लगाएं, कैसे होगा क्वेश्चन? तो ये सोचने वाली बात ये है कि ये 2 अल्फा है और ये अल्फा है भैया, हाफ एंगल फॉर्मूले यूज होंगे। अब हाफ एंगल फॉर्मूले हम कौन से यूज करेंगे? कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक होता है साइन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले और होते हैं, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, लेकिन हम वो यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें टेन की वैल्यू गिवन है तो टेन वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। तो कोस 2 अल्फा आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और साइन 2 बीटा आएगा हमारा 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अभी टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए अपॉन बी, तो हम ए अपॉन बी डाल देंगे यहां पर। बी स्क्वायर एलसीएम आ गया यहां से हमारा, नीचे से भी बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, यहां से बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर बन जाएगा हमारा 2 ab अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। टोटल में से कॉमन आ गया b और नीचे से कॉमन आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, क्योंकि b कॉमन ले लिया है तो ये बचेगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के काफी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उन्हें देखेंगे। अभी फिलहाल हम आज के लिए इतना ही नोट करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को आपको नोट करना है और फिर इनकी अपने आप प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके हमें ये ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के 12th क्लास में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री पर जितनी आप प्रैक्टिस अप कर लोगे, उतना ही आपके लिए आगे आगे वाली क्लासेस में बेनिफिट होगा। ओके, आज के लिए इतना ही।